आगामी लोकसभा चुनाव में शत प्रतिशत मतदान करने के लिए गुरुवार को दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह ने छात्र छात्राओं को शपथ दिलाया। शत प्रतिशत मतदान करने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि विद्यार्थियों को स्वयं मतदान कर अन्य मतदाताओं को भी मतदान के लिए आह्वान करने के लिए शपथ दिलाया गया है। विद्यार्थियों ने शत प्रतिशत मतदान का संकल्प लिया है। इस अवसर पर डॉक्टर आर पी यादव, डॉक्टर राम कुमार यादव, डॉक्टर शशि प्रभा सिंह, डॉक्टर रुकमणी चौधरी, डॉक्टर एस पी सिंह सहित महाविद्यालय के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी संवाददाता से बात करते हुए दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, सबसे बड़ा पर्व और खास तौर से जो गोरखपुर में लोकसभा चुनाव है वो आप सभी जानते हैं 19 मई को है। हम स्वयं मतदान करेंगे, आस पास पड़ोस अपने परिवार को अपने स्थान पर खड़े होंगे, आप दोहराएंगे धीरे धीरे और शपथ लेंगे, अपना दाहिना हाथ आगे कर ले। मैं शपथ लेता हूं कि इस लोकसभा चुनाव के निर्धारित तिथि पर बूथ तक पहुंचकर पहले मतदान करूंगा, इसके पश्चात ही घर वापस आकर जलपान लूंगा। यह कार्य मैं स्वयं करूंगा, परिवार से कराऊंगा और जिस समाज में, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस गली में मैं रहता हूं, मैं वहां भी लोगों को शत प्रतिशत मतदान के लिए प्रेरित करूंगा। मैं पुनः शपथ लेता हूं कि निर्धारित तिथि पर अपने मतदान का कर्तव्य समझकर प्रयोग करूंगा। भारत माता की जय। आज दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के विद्यार्थियों को जो लोकसभा चुनाव आसन्न है 7 चरणों में होने वाला है, उसमें निर्धारित तिथि पर जब इनके वोट का समय होगा तो इनको ये शपथ दिलाया गया कि ये स्वयं भी जाएंगे, पहले मतदान करेंगे तब घर आकर के जलपान करेंगे, और ऐसा ये अपने लिए ही नहीं करेंगे, ये अपने परिवार के साथ समाज, गली, मोहल्ला, जहां जो रह रहा है उसको भी ये प्रेरित करेंगे। और शत प्रतिशत मतदान का संकल्प हमारे विद्यार्थियों ने लिया है और यह बहुत अच्छी बात है कि यह प्रेरणा हमारे विद्यार्थियों ने 2-3 दिन पहले मिल करके कहा कि सर एक ओथ का कार्यक्रम हो, शपथ का कार्यक्रम हो, हम सभी उसके सहभागी बने। तो मूल भावना यही है कि प्रजातंत्र का ये एक बहुत बड़ा पर्व है और ये सारे विद्यार्थी जो सब मतदाता भी बन चुके हैं और युवा हैं, इनका संदेश बहुत ही प्रभावी होगा।